हजूर पिताजी पहुंचे वापिस सुनारिया धाम और किए वचन बहुत ही जल्द आएंगे वापस। जी हाँ सत्संगत जी, हजूर पिताजी ने सभी सत्संगत के लिए बहुत ही बढ़िया वचन किए हैं जो अब मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से सुनाने जा रहा हूँ। आप सभी से विनती करना चाहता हूँ, हजूर पिताजी के क्या इंपॉर्टेंट वचन आए हैं, हजूर पिताजी वापस जल्द सभी सत्संगत के बीच में कब आने वाले हैं, इसके लिए बहुत ही ज़बरदस्त हजूर पिताजी ने वचन किए हैं। हजूर पिताजी के ज़बरदस्त वचन सुनाने से पहले आप सभी से हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूँ कि इस वीडियो को अगर आप हजूर पिताजी से सच्ची मोहब्बत करते हैं, हजूर पिताजी के साथ हैं, हजूर पिताजी के मानवता भलाई कार्यों के साथ हैं, तो इस वीडियो को लाइक कर दे और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस पर हजूर पिताजी की हर एक खबर हम टाइम टू टाइम डालते रहते हैं। हजूर पिताजी के मानवता भलाई के 163 कार्य किए जा रहे हैं वो इस चैनल के माध्यम से हम कोशिश करते हैं सभी सत्संगत के पास पहुंच जाएं। जी हाँ सत्संगत जी, आप सभी ने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सत्संगत को शेयर कर देना है, क्योंकि हजूर पिताजी ने बहुत ही ज़बरदस्त वचन किए हैं। सुनारिया धाम तो पहुंचे ही हैं हजूर पिताजी, क्योंकि हजूर पिताजी 21 दिन की फड़लों पर आए हुए थे और 21 दिन की फड़लों कानून के अनुसार समाप्त हो चुकी थी कल, और हजूर पिताजी कानून के अनुसार वापस सरेंडर अपने आप को कर दिया था और हजूर पिताजी का जो काफिला है वो सुनारिया धाम में पहुँच चुका है। जी हाँ सत्संगत जी, हजूर पिताजी के बहुत ज़बरदस्त वचन क्या है मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आपको बड़े ही ध्यान से पूरी वीडियो को देखना है और बिना स्किप किए जो है इस वीडियो को लास्ट तक आपको बने रहना है, क्योंकि हजूर पिताजी ने जो सभी सत्संगत के लिए वचन भेजे हजूर पिताजी से सभी सत्संगत परमानेंट आने की अरदास करते हैं हमारे साथ कमेंट बॉक्स में। हजूर पिताजी को यही बोलते हैं, हजूर पिताजी से हर कोई दिल से मोहब्बत करता है और हजूर पिताजी से यही बोलते हैं कि हजूर पिताजी हमारे बीच में परमानेंट के लिए आओ। हजूर पिताजी ने लास्ट टाइम जाने से पहले एक वो मीटिंग की थी, तो उस मीटिंग में एक छोटे बच्चे ने हजूर पिताजी से पूछा था कि हजूर पिताजी आप हमारे बीच में परमानेंट कब आओगे, तो हजूर पिताजी ने उसकी बात को ध्यान रखते हुए क्या जवाब दिया जो बहुत ही दिल को छू लेने वाला जवाब था। तो आप सभी ने जो मैं आपको बातें बताने जा रहा हूँ, जो हजूर पिताजी की सूचना है, हजूर पिताजी के क्या वचन है, उसे बताने से पहले आप सभी से हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूँ एक बार फिर से कि इस वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि हजूर पिताजी के जो वचन है अगर आप मानते हैं कि हजूर पिताजी के वचन 100% सच होते हैं तो इस वीडियो को अभी से लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में लिखें कि हाँ हजूर पिताजी के जो वचन है कभी भी नहीं कटते और हजूर पिताजी के वचन 100% सच होते हैं। तो हजूर पिताजी ने उसे जवाब दिया था कि बहुत ही जल्द। जी हाँ सत्संगत जी, हजूर पिताजी ने इस वर्ड का यूज किया है कि बहुत ही जल्द, इसका मतलब यह है कि हजूर पिताजी बहुत ही जल्द यानी कि कुछ समय और बाकी है कि हजूर पिताजी हमारे बीच में परमानेंट के लिए आने वाले हैं। और हजूर पिताजी ने सभी सत्संगत को आशीर्वाद देते हुए ये भी कहा था कि आप हमारे सभी बच्चे हो और आप अगर उदास नहीं होते हो तो आप खुश रहते हो तो हम भी खुश रहते हैं। और एक भाई ने पिछली बार हजूर पिताजी जब वापस सुनारिया धाम में जा रहे थे तो हजूर पिताजी से ये बोला था कि हजूर पिताजी जब आप चले जाते हो तो हम यतीम से हो जाते हैं। तो सत्संगत जी, हजूर पिताजी ने बहुत ही दिल की गहराई वाली बात उस भाई को भी यही बोली थी कि आप ये ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं। तो सत्संगत जी, हजूर पिताजी ने कितना बड़ा, कितना सुंदर और कितना अच्छा जवाब दिया था। उन्होंने ये कहा था आप यतीम कैसे, ये वर्ड यूज़ भी मत करना क्योंकि आप सभी हमारे बच्चे हो और भगवान की औलाद जो होती है वो संत की औलाद होती है, आप इसलिए हम आपको अपनी औलाद मानते हैं। तो सत्संगत जी, हजूर पिताजी ने जो ये अच्छे अच्छे वर्ड यूज किए हैं इनका यही संकेत है कि हजूर पिताजी बहुत ही जल्द सभी सत्संगत के बीच में परमानेंट आने वाले हैं और हजूर पिताजी कि जो भी बात होती है वो भले ही थोड़ा वक्त लग जाए वो 100% सच भी होती है, क्योंकि सूरज को घनघोर घटा कितनी ही घेर ले लेकिन सूरज को छुपा नहीं सकती, और सूरज जब निकलता है वो चमक दमक के निकलता है। और हमारे सदगुरु भी वो नूर इलाही है, वो भगवान के भेजे हुए वे संत हैं जो एक तरीके से सभी समाज की बुराइयों को दूर करने के लिए आए हुए हैं और अपने मिशन को किस तरीके से अपने अंजाम को, मिशन को अंजाम दे रहे हैं हम तो एक आम इंसान है कभी सोच भी नहीं सकते। और हजूर पिताजी की ऐसे ही वीडियो जो हजूर पिताजी के वचन होते हैं हम इस चैनल के माध्यम से आप सभी तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं, इसलिए आपको वीडियो को लाइक कर देना है और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है, क्योंकि सत्संगत जी इस चैनल पर हम डेरा सच्चे सौदे की हर एक खबर टाइम टू टाइम डालते रहते, तो इसलिए
मेरी वीडियो को अभी से लाइक कर देना है और ज़्यादा से ज़्यादा साथ संगत को शेयर भी कर देना है। और कुछ भाई ऐसे भी हैं जो हमारे जो हम हजूर पिताजी के साथ उनके मानवता भलाई के कार्यों में लगे रहते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा जलते हैं और वो बोलते हैं कि आप हजूर पिताजी के साथ क्यों क्यों लग रहे हो। तो आप सभी से विनती करना चाहता हूँ कि हमें किसी के लिए भी कोई वर्ड गलत भावना नहीं रखनी, हमारे सदगुरु के यही वचन है और हजूर पिताजी हमें यही बोलते हैं कि हमें सबसे सद्भावना से प्यार करना है। और हजूर पिताजी ने लास्ट एक फिल्म सबसे शुरू में जो मूवी बनाई थी MSG द मैसेंजर, उसमें हजूर पिताजी ने ये लास्ट में एक बहुत अच्छी लाइन बोली थी कि अगर मानवता भलाई का कार्य करना, समाज तक जो हजूर पिताजी की बातें हैं वो पहुँचाना अगर पाप है तो हम ये पाप जिंदगी भर तक करते रहेंगे। और हम हजूर पिताजी से यही अरदास करते हैं, हजूर पिताजी हमारे ऊपर ऐसे ही आशीर्वाद बनाए रखे ताकि हम हजूर पिताजी के जो मानवता भलाई के कार्य हैं वो जन जन तक पहुंचा सके। और हजूर पिताजी की जो खबर है वो जो हजूर पिताजी अच्छे अच्छे मानवता भलाई के कार्य करते हैं उसमें हजूर पिताजी के सहयोग के साथ साथ समाज तक जो है वीडियो के माध्यम से, तन के माध्यम से, मन के माध्यम से, हर तरीके से समाज में अपने इच्छाओं के भावनाओं के माध्यम से समाज का भला कर सके। और हजूर पिताजी के जो 163 मानवता भलाई के कार्य हैं उसमें बढ़ चढ़ कर हम सहयोग दे सके। हजूर पिताजी से हम ये अरदास करते हैं वो अपने हम अपना आशीर्वाद हमारे सर पर बनाए रखे और जो जलने वाले लोग हैं उनके लिए भी ये बहुत ही अच्छी खबर है कि हजूर पिताजी सभी सत्संगत के बीच आने वाले हैं। हम उनके लिए भगवान से दुआ करते हैं और जो हजूर पिताजी के भक्त है, हजूर पिताजी के शिष्य है, उनके लिए भी हम यही दुआ करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें आज का व्लॉग। तो सात संगत जी, आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं 84 खंभों की छतरी से। जी हाँ सात संगत जी, ये जो आप सामने देख रहे हैं इसमें 84 स्तंभों के ऊपर ये छतरी बनाई गई है और यहाँ पर पुराने टाइम में कोई साधु संत ही रहते थे। तो सात संगत जी, हजूर पिताजी की वीडियो के साथ हम व्लॉग आपको आज दिखा रहे हैं। ये जो व्लॉग आप देख रहे हैं 84 खंभों की छतरी बनी हुई है। हजूर पिताजी की वीडियो के साथ साथ हम ऐसे व्लॉग आपको दिखाते रहते हैं, इसको करीब से भी हम इसका व्लॉग बनाकर आपको दिखाएंगे। तो इसलिए इस वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है ताकि आपको अच्छी अच्छी हम ऐसे ही जगह जगह के दर्शन, जो खूबसूरत दृश्य हमारे देश के अंदर है, धरोहर में शामिल है, विरासत में जो ये आप देख रहे हो 84 खंभों की, पुरातत्व विभाग में ये शामिल है। जी हाँ सात संगत जी, ऐसे ही वीडियो में बने रहना है। और अब थोड़ा जैसे ही हम आगे चलते हैं तो यहाँ पर हम दिखाते हैं आपको जो एक बार मैंने आपको दिखाई भी थी, ये है देख सकते हो आप, ये नवल सागर है। नवल सागर की जो झील है इसमें जो मंदिर बना हुआ है अंदर, ये आप देख सकते हो पानी के अंदर ये मंदिर बना हुआ है। तो सात संगत जी, हजूर पिताजी की वीडियो के साथ साथ ऐसे ही हम आपको वो लोग दिखाते हैं, इसलिए इस वीडियो को लाइक करना है और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है क्योंकि इस चैनल पर हम हर एक अच्छे अच्छे व्लॉग दिखाते रहते हैं। जो मैं दृश्य आपको दिखा रहा हूँ ये बूंदी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, जो राजस्थान में कोटा के नज़दीकी एक सिटी है, कोटा के पास ही एक शहर है बूंदी। तो ये जो आप देख सकते हो कितनी बड़ी झील है, पहले भी यहाँ का व्लॉग मैंने आपको दिखाया था लेकिन अब दूसरे स्टाफ तरीके से एक छोटी छतरी ये है, इसमें लगभग 6-7 दरवाजे हैं, 6 दरवाजों के साथ ये छतरी बनी हुई है। और जो सामने आप देख रहे हैं वो है यहाँ का किला, जो पुराना राजा और महाराजा यहाँ पर रहते थे। वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर देना है ताकि हम आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे व्लॉग दिखाते रहें। सात संगत जी, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। आपको वीडियो में ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखना है, हजूर पिताजी की वीडियो के साथ साथ हम ऐसे व्लॉग आपको दिखाते रहेंगे। और जैसे ही बिल्कुल लास्ट में पहुँचते हैं इस झील के, तो ये जो आप देख रहे हो ये पानी निकालने का रास्ता बनाया गया है। और जो सामने है ये 3 छड़ों के, यहाँ पे पुराने राजा महाराजा रहते थे, सेना वगैरह रहती थी, तो पानी वानी भर के ले जाती होगी यहाँ से। ये 3 दरवाजे आप देख सकते हो। और अब तो फिलहाल जो ये रास्ता है ना पानी निकालने के लिए, मैं आपको दिखाऊँगा आगे से, जैसे ही आगे बढ़ते मैं दिखाता हूँ कि ये पानी कैसे जाता है। यहाँ पे पता नहीं अजीब तरीके का यहाँ से जो निकास द्वार इसका बनाया हुआ है, ये सिटी के बीच से ही निकल के जाता है, रास्तों में बना रखा है ये जो आगे है ना सामने से जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक।